लंका के राजा रावण को हम बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन रावण के जीवन से जुड़े कई सारे रहस्य हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देंगे। हम सब जानते हैं कि रावण के 10 सिर थे, इसलिए रावण को दशानन भी कहते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर रावण के 10 सिर होने के पीछे क्या राज था। कहते हैं रावण भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने उनको अपना सिर अर्पित करने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसकी जगह दूसरा सिर आ गया। ऐसे एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर भगवान शिव को अर्पित किए। जब 10वीं बार उसने अपना सिर भगवान को अर्पित करना चाहा, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। वो रावण की भक्ति से प्रसन्न हुए। रावण ने सिर भले ही शिव की भक्ति में पाए हों, लेकिन उसके 10 सिर बुराई के प्रतीक हैं। पहला काम का, दूसरा क्रोध का, तीसरा लोभ का, चौथा मोह का, पांचवा मद यानी घमंड, छठा ईर्ष्या और सातवां मन, आठवां ज्ञान, नवा चित्त और 10वां अहंकार का। मान्यता ये भी है कि रावण के 10 शीश नहीं थे, बल्कि वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था, इसलिए दशानन कहलाता था। जैन शास्त्रों के अनुसार रावण के गले में 9 मणियों की माला थी। उन मणियों में उसका सिर दिखता था, जिससे दूसरों को 10 सिर होने का भ्रम पैदा हो जाता था। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रावण बहुत विद्वान था। उसे 6 दर्शन और 4 वेद कंठस्थ थे। यही वजह थी कि उसका नाम दसकंठी भी था। बाद में दसकंठी को ही लोगों ने 10 सिर मान लिया।